हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएम रिसर्च एकेडमी। आई एम योगेश कुमार। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। सो दैट ऑन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ कंप्यूटर आई विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो दिस वीडियो आई विल डिस्कस ओनली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई थिंक अबाउट एंड यू थिंक अबाउट हाउ मैनी जनरेशन आर यूज इन अ कंप्यूटर। कितनी जनरेशन जो है कंप्यूटर्स में यूज की गई। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, अब तक हमने जो यूज की है वो फाइव जनरेशन की है। कितनी जनरेशन यूज कर चुके हैं हम? फिफ्थ जनरेशन या फाइव जनरेशन तक के कंप्यूटर यूज कर चुके हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अगर बात करेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यूज किए गए थे, कौन सा इसमें डिवाइस यूज किया गया था या कौन से इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स थे वो हमारे यूज किए थे, ये एक्सपेंसिव होते थे या लो कॉस्ट के होते थे, इनमें हीट होती थी या नहीं होती थी, इनका साइज क्या होता था, इनका वेट क्या होता था, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट जनरेशन, और इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी हो सकता है ट्रिपल सी में जितने क्वेश्चन आए, उन सारे क्वेश्चंस को यहीं से हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपने कंप्यूटर्स की, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम था वो था 1946 से लेके 1959 में, 1946 से लेके 1959 में, जबकि कई बुकों में यही जनरेशन आपकी दे रखी है 1942 से लेके 1956 तक, 1942 से लेके 1956 तक। ठीक, अगर हम बात करें ये जो कंप्यूटर थे ये किसके बने होते थे, इनमें कौन सा हम कंपोनेंट यूज करते थे, तो याद रखना है फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो हमारे थर्मोआयनिक वाल या वैक्यूम ट्यूब्स के बने होते थे। किसके बने होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स के बने होते थे, जबकि ये जो वैक्यूम ट्यूब्स था ये स्विचिंग डिवाइस की तरह यहाँ पे वर्क करता था। किसकी तरह वर्क करता था? स्विचिंग डिवाइस की तरह वर्क करता था। जबकि डाटा स्टोरेज के लिए यहाँ पे हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। अगर हम बात करें डाटा स्टोरेज के लिए किसका यूज करते थे, हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। उसके बाद बात करते हैं, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये जो डायग्राम है वो आपका किसका डायग्राम है, ये डायग्राम आपके वैक्यूम ट्यूब्स का डायग्राम है। जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो इस तरीके के दिखाई देते थे हमें, ठीक है ना। और इन्हीं पे आपने सुना भी होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम ट्यूब्स में ट्रेवल करती है वो कितनी स्पीड से करती है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये सारे कंसेप्ट यहीं से निकल के आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना, ये सब वैक्यूम ट्यूब्स पे ही, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो वैक्यूम ट्यूब्स पे ही किए गए थे। तो ये जो था हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, जहां पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो बनाए गए थे वो इन वैक्यूम ट्यूब से बनाए गए थे। अगर बात करें हम इन वैक्यूम ट्यूब्स की, तो उस समय मेमोरी और सीपीयू में ये बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में थे। मेमोरी और सीपीयू के अंदर ये बेसिक कंपोनेंट थे, और ये ऐसे कंपोनेंट होते थे बहुत जल्दी हीट हो जाते थे, तुरंत गर्म हो जाते थे, जिससे हमारा कंप्यूटर भी हीट हो जाता था। कंप्यूटर भी क्या होता था? हीट हो जाता था। ठीक है, तो दिया हुआ है द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू। उसके बाद बात करते हैं इस जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, जैसे आजकल हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था बैच। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज किया गया था। ठीक, इसके अलावा पंच कार्ड, पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप का यूज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज में करते थे। पंच कार्ड, पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप का भी यूज हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज में करते थे। इसके अलावा इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती थी, कंप्यूटर्स में स्टार्टिंग जब हुई थी तो
तो हम कहते थे कंप्यूटर डिफाइन किया गया था, तो मशीन लैंग्वेज होती है, यानी बाइनरी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है जीरो एंड वन। तो स्टार्टिंग में जब इस जनरेशन में हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की थी, तो वो हमारी कौन सी थी, मशीन कोड के रूप में की थी। किसके रूप में यूज किया था, मशीन कोड के रूप में हमने इसकी प्रोग्रामिंग की थी। ओके अब ये आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहे होंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि बहुत बड़े बड़े यानी बहुत बड़े साइज का यहाँ पे कंप्यूटर यूज किया गया है, क्योंकि इनके साइज भी क्या होते थे, बहुत ज्यादा होते थे, है ना, और इनका काफी यूज किया जाता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, क्या इसके जो फीचर्स थे वो क्या थे। ठीक, फीचर्स थे वो क्या थे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही माइंड में आएगा आपके, क्या आएगा, क्या फीचर्स कंप्यूटर्स के क्या थे इनके। अगर हम बात करें ये किसके बने होते थे, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के। सबसे अगर बड़ी बात करें तो ये किसके बने होते थे, वैक्यूम टेक्नोलॉजी के बने होते थे। दूसरी चीज, अनरिलायबल थे, ठीक है, अनरिलायबल थे। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे ओनली, और एक्सपेंसिव भी थे। फिर इसमें हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि हमें इनको चलाने के लिए या संचालित करने के लिए लगभग 1,50,000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती थी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती थी, नीड कितनी, रिक्वायरमेंट कितनी थी, 1,50,000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती थी। क्योंकि इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में अगर हम बात करें, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, तो इनके लिए बहुत ज्यादा बिजली इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा इसमें हमें अल्टरनेटिंग करंट की भी आवश्यकता होती थी, एसी करंट की भी जरूरत होती थी। तीसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल मीन्स इसको हम कहीं पर भी ले जा नहीं सकते थे, ठीक है, एक ही जगह रखना होता था, जहां पे हमने फिट कर दिया वहीं पे फिट करते थे, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़े होते थे। लगभग इनका जो वेट बताया जाता था इन कंप्यूटर्स का, तो 30 टन का कंप्यूटर होता था ये। कितने टन का होता था, 30 टन का होता था, और इसका जो साइज होता था लगभग एक कमरे में, एक कमरे के बराबर का साइज होता था। 50 x 30 का साइज, 50 x 30 का साइज होता था, और इनका जो वेट था वो 30 टन का होता था। इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइसेस थे, वो काफी स्लो थे, ठीक है, और ये हीट को जनरेट करते थे। इसके अलावा इसमें हमें एसी की रिक्वायरमेंट रहती थी, ठीक है। इनका साइज काफी ज्यादा था, लगभग 50 x 30 यानी एक रूम के बराबर का साइज हम यूज करते थे। अब बात करते हैं हम इसके साइज की। देखो, दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज इन साइज। अगर आप देखोगे इन कंप्यूटर का जो साइज था वो बहुत बड़ा था। ये आपको कंप्यूटर डायग्राम में दिख रहे होंगे, तो इनका साइज कैसा था, बहुत ही लार्ज साइज यूज करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनमें पेपर टैप और पंच कार्ड का यूज हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में करते थे। किसमें, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पंच कार्ड और पेपर टैप्स का यूज हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इन कंप्यूटर्स में यूज करते थे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किए गए, जैसे एनिक, एनिक जो कंप्यूटर था यहाँ पे यूज किया गया, एडवेक भी यहाँ यूज किया गया, यूनिवेक भी यूज किया गया, IBM 701, IBM 650, एडसेक, ये हमारे क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। एनिक, एडवेक, यूनिवेक, आईबीएम, ये सारे हमारे क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर थे। अगर हम एनिक की बात करते हैं, तो एनिक को फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है, पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। और इसको बनाने वाले का नाम था जेपी इकर्ट और मैकाले, और इसकी फुल फॉर्म होती थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स इसकी फुल फॉर्म होती थी, ठीक है। अब इसके बाद ये कंप्यूटर इस टाइप के दिखाई देते थे, आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे रेल, रेल का इंजन होता है उस टाइप का दिखाई दे रहा है ये, है ना।
रेल का इंजन होता है उस टाइप का, एंड एक कंप्यूटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं अब हम एडवेक की। एडवेक जो कंप्यूटर था ये उसके बाद बनाया गया था, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती थी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एडवेक कंप्यूटर है, यानी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, एसी का यूज करना पड़ता था, काफी हीट्स देते थे ये कंप्यूटर, ठीक है ना। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता था, ठीक है, और ये यूनिवेक कंप्यूटर था, थोड़ा साइज में छोटा हुआ। अगर देखेंगे जैसे हमने पहले देखे थे एनेक और एडवेक के मुकाबले, यूनिवेक जो कंप्यूटर था वो साइज में कम हो गया था, ठीक है ना। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद एड सेक का भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये जॉन बॉन न्यूमैन ने बनाया था, और जॉन बॉन न्यूमैन के द्वारा जो आर्किटेक्चर प्रेजेंट किया गया था वहां पे डाटा को स्टोरेज किया गया था, परमानेंट डाटा को स्टोरेज करने के लिए इस कंप्यूटर को जॉन बॉन न्यूमैन ने बनाया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसमें ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर थे, तो यहाँ पे जो डाटा था वो मेमोरी के रूप में स्टोर किया गया था, ठीक है। एडवेक में मेमोरी के रूप में जो डाटा था वो यहाँ पे यूज किया गया। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेज थे, ये वैक्यूम ट्यूब्स के बने होते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता था हमारा उसके ये बने हुए होते थे, तो ये हमारा किस में आता है, एडवांटेज में आता है। किस में आता है भाई, एडवांटेज, ठीक है। यह हमारा क्या है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है अगर बात करें तो, ठीक। कुछ चीजें और बताते हैं, एनिक कंप्यूटर हमने क्या बताया था अभी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है, ठीक। इसका आविष्कार किसने किया था, जेपी इकर्ट और मैकले ने इसको बनाया था, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर थे ये यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के लिए बनाए गए थे, अगर हम बात करें इनमें यूनिवैक की, ठीक है। ये जो कंप्यूटर थे सपोज कीजिए, सॉरी एनिक की हम बात कर रहे हैं, किसकी, एनिक की। तो एनिक जो कंप्यूटर बनाया गया था ये यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के लिए बनाया गया था, जो उनकी तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। तोपखाने होते थे वहां पे इसको रख दिया गया, तो फायरिंग की जो कैलकुलेशन थी उसमें इसका काफी यूज किया जाता था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंप्यूटर बना था वो कौन सा था, एडवेक, ठीक। एडवेक की फुल फॉर्म क्या होती थी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। इसको जॉन ब्यूमैन के द्वारा ये संग्रहित किया गया था, और इसका काम क्या था, प्रोग्राम के आधार पे स्टोरेज करना, प्रोग्राम के आधार पे कैसे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए एडवेक का यूज किया गया था। उसके बाद एडवेक बनने के बाद एक एडसेक कंप्यूटर भी बना था अपना, देखिए एडसेक कंप्यूटर ये रहा, है ना। इसको जॉन बॉन न्यूमैन ने बनाया था, ये कंप्यूटर का जो यूज किया गया था 1942 में, सॉरी 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया था। और हम यूनिवेक कंप्यूटर भी देख चुके हैं जो बहुत बड़े आकार के होते थे, और इनकी जो गणना थी वो मिली सेकेंड्स में की जाती थी। अब हम बात करेंगे एडवांटेज, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाता था सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये कंप्यूटर जो कैलकुलेशन थे वो मिली सेकेंड्स में अपनी कैलकुलेशन कर देते थे। तीसरा पॉइंट था इसका, इसके अलावा वेरी कॉस्टली थे, काफी कॉस्ट थी इनकी, ये डिसएडवांटेज में आता है। और इनका जो आउटपुट था हो सकता था हमेशा ही गलत आए, हो सकता है कम गलत आए, लेकिन गलतियां भी इसमें काफी होती थी, ठीक। और ये मशीन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता था, ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, बहुत जल्दी हीट भी होते थे, और इनका जो प्रोसेसिंग था, प्रोसेस करने का तरीका वो भी बहुत ज्यादा स्लो था, इनका साइज भी बड़ा था, है ना। इनको ठंडा करने के लिए एसी का यूज किया जाता था, किसका यूज किया जाता था, एसी का यूज करना पड़ता था, ये पोर्टेबल नहीं थे, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत मुश्किल होती थी। इसके अलावा इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा
इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बहुत ज्यादा यूज करते थे। ये वेरी कॉस्टली थे, साइज में लार्ज थे, वेट 30 टन था, ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, ये वही है जो अभी मैंने पॉइंट बताए। अब इसकी एक लिमिटेशन थी, लिमिटेशंस क्या थी, लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर में यूज किए जाते थे, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा हीट्स आती थी, और हीट्स आने पे इसको कूल डाउन करने के लिए हमें एसी की रिक्वायरमेंट रहती थी। लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस कंप्यूटर के अंदर जनरेट्स किए जाते थे, और जब ये जनरेट्स होते थे तो उनकी वजह से काफी हीट होती थी, और हीट को दूर करने के लिए हमें इसमें एसी की रिक्वायरमेंट रहती थी। यानी इसको कूल करने के लिए, इस कंप्यूटर को कूल्ड करने के लिए हमें एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट रहती थी, यानी हमें एसी का यूज करना पड़ता था। तो ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। इसमें से काफी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम्स में, आप देखना, जब हम एमसीक्यू करेंगे तो काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड जनरेशन के साथ मिलेंगे।